कैसे हो दोस्त? सब ठीक ठाक है ना? हमारा तो सब ठीक है, अपना सुनाइए। अपना हालत बहुत खराब है दोस्त। क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है, सब राजी खुशी? दोस्त हमें 50,000 रुपया चाहिए, बहुत अर्जेंट है। आप ही काम चला दीजिए तो अच्छा होगा। दोस्ती में लेन देन नहीं करना चाहिए, अगर जरूरी है तो 2,000-4,000 ऐसे ही ले लीजिए। बात तो सही है दोस्त, अगर तुम्हारे जानने वाले कोई है तो दिवा दो, जो ब्याज होगा दे देंगे। भोला सिंह है, ब्याज पे पैसा लगाता है, बाकी ब्याज टाइम से लेगा। हाँ दोस्त, ब्याज टाइम से ही देंगे। चलो भोला सिंह के पास। ठीक है तो चलो, दोस्ती वाला बात है तो जाना ही पड़ेगा। राम राम बोला चाचा। राम राम। सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। हमारे दोस्त हैं। दोस्त है? इनको मदद का आवश्यकता है। इनको तो जानता हूँ। ये हमारा दोस्त है। हाँ हाँ, इनको तो मैं जानता हूँ। ये तो यही पड़ोस गांव के रहने वाले हैं। इनको तो अक्सर मैं इधर उधर कहीं कहीं देखता रहता हूँ। बोला चाचा, इनको 50,000 का जरूरत है। अच्छा। जो आपका ब्याज लगेगा महीने महीने चुका देंगे। देखिए पैसों वाली बात है, पैसा तो मैं इनको दे दूंगा, मेरा तो काम ही है पैसा ब्याज पर लगा। लेकिन गारंटी आपको देना होगा, अगर आपको मंजूर है तो 50,000 रुपये मैं इनको दे दूंगा। ठीक है भोला चाचा, हम लेंगे गारंटी, आप इनको पैसा लाके दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम गारंटी ले रहे हो तो मैं अभी पैसा लाकर देता हूँ। तुम दोनों यहीं पे बैठो, ठीक है? मैं अभी घर से पैसा लाकर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आइए। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, तुमने मेरा काम करवा दिया। कोई बात नहीं दोस्त, ये तो हमारा फर्ज था। दोस्ती का फर्ज नहीं अदा करेंगे तो किसका फर्ज अदा करेंगे? कोई बात नहीं, बस तुम्हारा, तुमको टेंशन नहीं होना चाहिए बस। ये है पूरा 50,000। गिनती करवा दूं या गिनती करोगे? नहीं नहीं, आप ही कर दीजिए। नहीं, मैं तो गिनती करके लाया हूँ, आप गिनती करो। लीजिए दोस्त, गिनती करो। पूरा है ना? 50,000। ठीक, हमें आज 5 तारीख है, अगला 5 तारीख को हमें ब्याज चाहिए। हर 5 तारीख को 2,500 रुपए हमें ब्याज का चाहिए। 5 से 6 नहीं होना चाहिए दोस्त। हाँ, 5 से 6 तारीख नहीं होना चाहिए, हमें हर 5 तारीख को ब्याज चाहिए। ओके ओके। चाचा जी 5 से 6 नहीं होगा, आपको पैसा टाइम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्त? ठीक है, हमें पैसा टाइम से चाहिए, तुम्हारे विश्वास पे है हमने पैसा दिया है इनको। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक ठीक है चाचा, राम राम, चलते हैं। राम राम राम। चलो ठीक है, ठीक है। तारीख 6/5 याद रखना, 5 से 6 नहीं होना चाहिए। ओके ओके, ठीक, फिर मिलेंगे। हाँ, 3 महीना हो गया, पैसा ले गया, अभी तक पैसा दिया नहीं, फोन करता हूँ। हेलो, हाँ अनमोल। अरे यार, तू कैसा आदमी को पैसा दिलवा दिया भाई, 3 महीने हो गया, 3 महीने तक तो ब्याज भी कुछ भी नहीं दिया है वो।
भैया देख, सीधी सादी बात है, मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, तुम्हारे भरोसे मैं उसको पैसा दिया हूँ। ठीक है बोला चाचा, अभी हम शंकर को फोन करते हैं। ठीक, हेलो। हाँ शंकर, क्यों दोस्त हमारी बेइज्जती करा रहे हो? क्या हुआ दोस्त, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या होगा, भोला चाचा का फोन आया था कि 3 महीने से ब्याज का पैसा नहीं दिए हो। दोस्त कोई नया काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। दिल्ली से बेटा पैसा भेजता है तो फिर ब्याज वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, फोन रखता हूँ। अरे भगवान, कौन सा मुसीबत मोल ले लिया, गारंटी वाला काम बहुत खराब है। अरे अनमोल है रे। हाँ जी बोला चाचा, आइए बैठिए बैठिए। बैठे? हाँ जी बैठिए, आइए बोला चाचा बैठिए। चाय पानी पीजिएगा? अरे चाय पानी नहीं पीऊंगा, आज 6 महीना हो गया, एक पैसा भी ब्याज का नहीं दिया है वो तेरा दोस्त। जरा चलो उसके पास, जरा उससे मिलकर आते हैं। फोन तो किए थे। अरे भाई फोन उनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है चलो उससे मिल के आते हैं आमने सामने। चलिए चलो चलिए। ये दोनों कहाँ से आ गया बेटा? है कोई जाएगा ना? कहना पापा नहीं है, दिल्ली चले गए। यही घर है ना? हाँ यही तो घर है। छोटू, अरे बेटा जरा शंकर को बुला ना। दिल्ली गए हुए हैं, 10 दिन के बाद आएंगे, भाई के पास गए हुए हैं। दिल्ली? जी। बोल तो रहा था कि बेटा दिल्ली से पैसा भेजेगा, कहीं पैसा पूसा लेने गया होगा। चलिए ठीक है, 10 दिन बाद ही आते हैं। भाई कुछ दिन और देख लेता हूँ मैं, अगर वो तेरा दोस्त पैसा नहीं देगा तो मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमसे पैसा लूंगा। चलो अभी चलिए। चलो चले गए वो लोग, अब आ जाओ। चलो बोला टला, कहाँ से आ जाता है काल कंचन। ये लोग क्यों आए थे जो आप छुप गए थे? अरे बेटा वो उधारी मांगने आया था, कभी आएंगे ना तो देखना, तो बोलना जो पापा दिल्ली गए हुए हैं। ठीक से काम करो। अरे चलो फिर दोनों आ गया, छुप जाता हूँ। तेरा पापा आज दिल्ली गए थे तो दिल्ली से आ गए? अब तो तेरा पापा का फोन भी नहीं लगता है। नहीं पापा का फोन करा है, वो 10 दिन बाद आएंगे। अरे 10 दिन तो इसका कभी खत्म ही नहीं होता है, हैं? आज बता कितने महीना हो गया है कि आज तक नहीं मिला। भैया ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे कौन सा पाप लगा जो मैं इसको पैसा दे दिया तेरे कहने पे। देख अनमोल, अगर 10 दिन में वो पैसा नहीं दिया तो पैसा मैं तुमसे लूंगा, बता देता हूँ मैं। चलो ठीक है चाचा, 10 दिन और देख लेते हैं। चल बहुत पैसा आदमी है ये। यही तो चाचा आता हूँ, बेटा कहता है कि पापा दिल्ली गए हैं, पता ना कब आएगा दिल्ली से। यही तो है, यही तो चाचा, आजकल किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। गारंटी वाला काम बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा हमको। चल चला 10 दिन बाद देखेंगे। वही है क्या? बेटा देखना तो वही तो नहीं है। नींद
सीधे ही भोला सिंह दिखाई देते हैं। बाप रे बाप, कंटक आदमी है ये। अब आए पकड़ में बेटा। अब मत कहियो कि पापा दिल्ली में है, समझा? हाँ, तेरे को भी लगे। तू कहाँ भाग रहा है? भागता कहाँ है यारे शंकर हरामी। पैसा लेते समय मजा आता है और देते समय गांठ फटता है। जब भी आता हूँ बेटा को सिखा देता है पापा घर में नहीं है, दिल्ली है। चुतिया बनाता है, लेने में तो बड़ा मजा आता है। बेटा को भी झूठ बोलने का सिखाता है। 10 दिन का हमें और मोहलत दे दीजिए, हम दे देंगे। 1 दिन का भी मोहलत नहीं दूंगा। 10 दिन तो दूर की बात है, हमें ब्याज भी चाहिए और मूलधन का भी पूरा पैसा चाहिए, समझा? चाहे तू जमीन बेच कर दे, चाहे तू भैंस बेच कर दे, चाहे तू गाय बेच कर दे, और 10 दिन तो बहुत दूर की बात है। मैं नहीं मानने वाला हूँ 10 दिन। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, पड़ती है, समझ गया? मेरा तो बनता है भोला। 10 दिन में जमीन बेच के दूंगा, अलमोल तू ही समझाओ चाचा का। 10 दिन में अगर नहीं दिया तो तुम्हारा और हमारा दोस्ती खत्म। चलो चाचा, हम समझ लेंगे। पैसा चाहिए 10 दिन में। ठीक, दोस्त को धोखा मत देना। हेलो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक दोस्तों, नमस्कार।